अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा आउटफिट रेडी होके आ गया है मास्टर जी से, और ये मैंने सेम इसी तरह ये स्टिच करवाया है जैसे मरियम परवेज़ और आइनियात खालिद का बहुत फेमस ये सूट था, ट्रेंडी। तो मैंने ये अंडर बजट में कैसे डिज़ाइन करवाया, मैंने इसको कैसे रिक्रिएट किया, इसकी पूरी आपको मैं स्टोरी में आपको बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं जम्मू के खिलौने वाली गली। यहाँ पर आपको फैब्रिक, बहुत सारे फैब्रिक मिल जाएंगे इस मार्केट से, और यहाँ पर पाकिस्तानी फैब्रिक बहुत ही प्यारा आया था जिसका 1000 रुपीज़ इसका रेट था शर्ट का। और इसी पाकिस्तानी शर्ट्स में बहुत सारे आजकल डिज़ाइंस आए हैं, बहुत सारे कलर्स आए हैं, इनमें भी कॉटन, मसलिन, इन सब के भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए थे। और डाइएबल में भी, चिकनकारी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई थी मार्केट में। और ये जम्मू की खिलौने वाली मार्केट है जहाँ पे सिर्फ आपको फैब्रिक मिलेगा, नॉर्मल से लेके डिज़ाइनर तक हर तरह का सेलिब्रिटी फैब्रिक, हर तरह का फैब्रिक आपको यहाँ मिलता है, और बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप अपना 8000 वाला ड्रेस 2000 में भी रिक्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप कस्टमाइज़ कर रहे हैं। आज हमारा चैलेंज रहेगा, हम ये वाला ड्रेस अंडर 2000 में ये कैसे हम रिक्रिएट करते हैं। सबसे पहले फाइनली मुझे वो ब्लैक फैब्रिक मिल गया जैसा मुझे चाहिए था, समर के हिसाब से जिस हिसाब से मुझे फैब्रिक चाहिए था ये बिल्कुल अच्छा वैसा ही फैब्रिक है, और बिल्कुल ब्लैक जेट में फैब्रिक था। मैंने 5 मीटर ये फैब्रिक ले लिया, और इनके पास प्लाजो के लिए भी एम्ब्रॉयडरी वाले काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आए थे। ये भी 500 का था ये वाले प्लाजो, अगर आप लेते हैं इसको स्टिच करवाते हैं अपना, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी इसके पास। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ कि आप कैसे एक सेलिब्रिटी आउटफिट को एक अंडर बजट में खुद आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो और लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब। और मार्केट में तो बहुत सारे प्यारे प्यारे फैब्रिक आए थे, ये आप फ्रॉक बना लीजिए या प्लाजो के लिए बना लीजिए, पाकिस्तानी प्लाजो बना लीजिए। ये शर्ट थी खाली 1100-1200 की ये शर्ट थी, तो इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए थे। ये भी खिलौने वाली गली मार्केट में एंटर होते ही ये वाली शॉप आती है। 5 मीटर मैंने ये फैब्रिक ले लिया, इसका मुझे 700 का मुझे ये फुल मुझे सूट आ गया था 700 का ये, और साथ में मुझे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक चाहिए था जो मुझे इस सूट को कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे वो यूज़ होगा। और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और पास में यहीं पे हमें बर्फ़ का गोला वाला मिल गया था, और हमने यहाँ से आइसक्रीम खा ली, मैं और मेरी सिस्टर साथ थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, मैंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद बाकी मार्केट का काम करते हैं। साथ में ऑर्गेन्जा भी मुझे वैसा वाला मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। ये मैंने 1 मीटर मैंने ये ऑर्गेन्जा ले लिया था, 200 का मुझे ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक पड़ गया था, 100 की 200 कुछ इस तरह से मुझे ये फैब्रिक मुझे ये मिल गया था ऑर्गेन्जा का। और इस ऑर्गेन्जा को भी मैं सेम वही कलर करूँगी जो मेरे दुपट्टे का कलर है, सेम वही रेड कलर। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पानी की बोतल जो हमेशा मेरे पास ही होती है, और मैंने सूट मेरा डन हो गया, फैब्रिक सब कुछ मैंने ले लिया, अब बारी आती है इसको एम्ब्रॉयडरी करवाने की। जैसे इन्होंने नेक पे एम्ब्रॉयडरी की है वैसा ही सेम मुझे वैसे ही नेक पे एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, और एम्ब्रॉयडरी भी बिल्कुल मेरी अंडर बजट में 300 में मेरी एम्ब्रॉयडरी हो गई थी इनसे। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद 2 दिन के बाद मैंने अपना सूट जो है मास्टर जी को स्टिच करने के लिए दे दिया, और प्रॉपर मैंने इनको समझा दिया कि मुझे अपना सूट किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, और ऑर्गेन्जा को आपने किस तरह से और कहाँ किस तरह से लगाना है। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको इसको पहन के बताऊँगी। सो फाइनली ये मेरा आउटफिट रेडी हो गया, अब आप बताइए कि यह सेम वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सेम वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी, ऑर्गेन्जा को सेम मैंने उसी तरह लगाया जिस तरह से डबल करके मैंने इसको ऑर्गेन्जा को लगाया, स्लीव्स पे भी और बॉटम पे भी, और नेक पे भी मैंने एम्ब्रॉयडरी उसी तरह से की, और ये मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग डाल दी थी ताकि सेम मेरा आउटफिट जो है वो वैसा ही लगे, क्योंकि उनके आउटफिट में भी सेम इसी तरह से डिज़ाइनिंग है, और सेम मैंने अपना मेरी पूरी कोशिश वैसी ही रही कि मैंने सेम अपना आउटफिट वैसा ही कस्टमाइज़ करूँ। और बहुत खुशी होती है जब आपका आउटफिट सेम वैसा ही बने जैसा आप चाहते हो, तो मेरा आउटफिट सेम वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी, और फैब्रिक मैंने बहुत ही अच्छा लिया था, और फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी सूट के। 700 का मुझे फैब्रिक आ गया था, और 200 का मुझे ऑर्गेन्जा और डाई हो गया था, और 300 की मेरी एम्ब्रॉयडरी हो गई थी, और दुपट्टा 400 का आ गया था, मतलब अंडर बजट में मेरा 2000 में मेरा ये आउटफिट पूरा रेडी हो गया था। और ये सूट पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा था, और आपको भी ये आउटफिट क्या वैसा ही लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आउटफिट ये कैसा लगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने
बने रखता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली अपनी वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि कुछ बिज़ी शेड्यूल्स की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं एडिटिंग में बिज़ी थी, काफ़ी एडिटिंग नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।